Hello everyone, welcome to MNS's AIM. So I hope you guys are doing well और surely आप MNS 2022 के लिए अपनी preparation कर रहे होंगे continue. Okay. In this video I'm going to discuss some GK questions और ये questions ऐसे हैं जो कुछ serious exam में भी आए हुए हैं, जैसे defense exam जितने भी उसमें आए हुए हैं, कुछ competitive exams जो होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, मतलब ये questions काफ़ी important है. ओके सो इन क्वेश्चंस का आप लेवल देख सकते हो और इस तरीके के ही क्वेश्चंस आपसे एमएनएस एग्जाम में पूछे जाते हैं. नॉट सो डिफिकल्ट एंड नॉट सो इजी, मॉडरेट लेवल रहता है. ओके सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर वन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 एट पुणे. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है. आप साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते चलो. ओके और अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अभी ये लर्निंग का टाइम है, आप जितना सीख सकते हो उस टाइम में आप सीख सकते हो. ओके सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कई बार एग्जाम में पूछा गया है. जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है उसका फाउंडर कौन है? तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज जी के देवधर, ऑप्शन बी इज वी पंतुलू, सी इज गोपाल कृष्ण गोखले एंड ऑप्शन डी इज बहराम जी एम मालाबरी. ओके सो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले. तो अगर मैं आपको ये बताऊँ इसके बारे में, अगर मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँ तो आपको ईजिली लर्न होगा. सो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये फाउंडर थे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के. एक सोसाइटी थी जिसका नाम था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड है, ये सोसाइटी कब फॉर्म हुई थी? 1905 में. तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी है वो कब फॉर्म हुई थी. तो 1905 में हुई थी एंड किसने फॉर्म की थी, इसका फाउंडर कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले इसके फाउंडर हैं. ठीक है, और ये पुणे महाराष्ट्र में बनाई गई थी. ठीक है, तो जो मेन मोटो है, अगर आपको जानना है इसका मेन मोटो क्या था सोसाइटी का, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का मेन मोटो क्या था. सी एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकते हैं, तो आप जो भी पढ़ रहे हो उसके बारे में थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके चलो. ओके सो इसका मेन मोटो क्या था? टू यूनाइट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स इन वेलफेयर वर्क. मतलब डिफरेंट रिलीजन्स थे इंडिया में एट दैट टाइम, आपको पता होगा, तो उन लोगों को इकट्ठा करना था और वेलफेयर वर्क, मतलब जितने भी छोटे मोटे स्कूल्स होते थे या फिर जो भी, जब उस टाइम पे पॉवर्टी ज़्यादा थी, उन लोगों को हेल्प करने के लिए, छोटे स्कूलों को हेल्प करने के लिए, और लाइक जो जितने भी गरीब लोग हैं या फिर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको हेल्प करने के लिए. ओके तो इसलिए ये सोसाइटी बनाई गई थी. किसने बनाई थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने. एंड कब बनाई थी? 1905 पुणे महाराष्ट्र. तो एक क्वेश्चन से आपको काफ़ी सारे चीज़ें पता चल गई, दैट्स गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सेंसस वॉज टेकन ड्यूरिंग द विसरॉयशिप ऑफ होम. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ऑप्शंस आर लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ऑप्शन बी इज लॉर्ड मायो, ऑप्शन सी इज लॉर्ड लेटन एंड ऑप्शन डी इज लॉर्ड रिपन. ओके सो यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट सेंसस पूछा गया. यहाँ पे आपको मैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, प्लीज़ नोट इट डाउन, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपको डेफिनेटली विद श्योरिटी बोल सकती हूँ 100% ये इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे जो भी मैं आपको बता रही हूँ. फर्स्ट इज की यहाँ पे क्या पूछा गया है, इंडियाज फर्स्ट सेंसस. तो जो इंडिया का पहला सेंसस हुआ था, मैं आपको बता दूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, वो हुआ था 1871 में. ओके 1871 में इंडिया का फर्स्ट सेंसस हुआ था, बट दैट टाइम इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं था. ठीक है, तो उस टाइम विसरॉय कौन था, क्वेश्चन में यही पूछा है कि एट दैट टाइम विसरॉय कौन था जब इंडिया का फर्स्ट सेंसस हुआ था. तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, लॉर्ड मायो. तो लॉर्ड मायो उस टाइम इंडिया के विसरॉय थे. ठीक है, और कब हुआ था ये डेट, ये ईयर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सीरियस में भी पूछा गया है. ओके तो 1871 में फर्स्ट सेंसस हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि इंडिया का इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट सेंसस कब हुआ था. लाइक दे कैन आस्क लाइक दिस, जैसे यहाँ पे पूछा है इंडियाज फर्स्ट सेंसस, तो इसकी जगह पे वो कर देंगे इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट सेंसस.
तो इस केस में जब इंडिपेंडेंट इंडिया की बात आ जाए तो सेंसस हुआ था 1951 में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद भारत का खुद का सेंसस हुआ था, जिसको हम जनगणना भी बोलते हैं, 1951 में, ओके। और जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, ओके, जब वो किसी और के अंडर था, तब हुआ था 1871 में। और 1871 में कौन था विसरॉय इंडिया का? लॉर्ड मायो। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो आई होप आपको जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ बेनिफिशियल लग रही होगी, एंड डेफिनेटली एग्ज़ाम में आने वाली है। सो आप इसको नोट डाउन कर लो कहीं, एंड इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सर्च एमएनएस इज एम ऑन टेलीग्राम, ओके। मैं आप लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे और इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। प्लस वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ एक सजेशन चाहूँगी, और एक आपके लिए क्वेश्चन भी है वीडियो के एंड में। सो डू वॉच वीडियो टिल एंड। नेक्स्ट इज हिटलर पार्टी केम इन टू पावर इन 1933 इज नोन एज। तो बेसिकली यहाँ से हमसे पूछा है, यहाँ पे हमसे पूछा है कि जो हिटलर की पार्टी थी उसका क्या नाम था। ये क्वेश्चन इफ़ यू रिमेम्बर गाइज, जिन जिन बच्चों ने भी दिया है एक बार भी एग्जाम, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है दिस वन। हिटलर पार्टी केम इन टू पावर इन 1933 इज नोन एज। तो जो हिटलर की पार्टी थी उसका क्या नाम था? नाजी पार्टी। ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। ये 1933 भी आप याद रखो, एग्जाम में पिछली बार पूछा था कि हिटलर की पार्टी का क्या नाम था, और क्या पता इस बार आपसे पूछ ले कि हिटलर की पार्टी फॉर्म कब हुई थी, विच ईयर, तो 1933। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, यूजेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ। तो यूजेनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और मैंने ना इसको बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखा, इसलिए मैंने सोचा कि ये क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। ये यूजेनिक्स वाला मैंने 3 एग्जाम्स में देख लिया, डिफेंस एग्जाम्स में, दैट्स वाई आई हैव प्रोवाइडेड यू हियर। ऑप्शन ए इज़ अल्टरिंग ह्यूमन बीइंग्स बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट्स। ऑप्शन बी इज़ पीपल ऑफ यूरोपियन ओरिजिन। ऑप्शन सी इज़ डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड। एंड ऑप्शन डी इज़ जेनेटिक्स ऑफ प्लांट्स। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता है, बट इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, अल्टरिंग ह्यूमन बीइंग्स बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट। ह्यूमन बीइंग्स के जेनेटिक कंपोनेंट को चेंज कर दिया जाता है एंड उसकी स्टडी की जाती है, ठीक है। कि लाइक अगर हम ह्यूमंस के अंदर ये जीन में चेंज कर दे तो वो क्या वेरिएशंस दिखाता है, उससे क्या रिजल्ट आता है। सो दिस काइंड ऑफ स्टडी इज नोन एज यूजेनिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो ये क्वेश्चन जो है वो 2019 एमएनएस एग्जाम में आ चुका है, ओके। गेटवे ऑफ इंडिया, तो स्टूडेंट्स जो है वो जनरली दिल्ली एंड मुंबई के बीच में कंफ्यूज होते हैं, बट यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई है, नॉट दिल्ली, ओके। सो मुंबई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ब्रोकन विंग। सो वेरी फेमस बुक, ओके, बहुत फेमस बुक है ब्रोकन विंग। आंसर इज सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू ने बुक लिखी है ब्रोकन विंग। अगर मैं आपको इसकी थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूँ सरोजनी नायडू के बारे में, तो सरोजनी नायडू को एज यू ऑल नो नाइट एंजल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। और इनका बर्थडे जो है वो 13th ऑफ फेब को आता है। और इससे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूँ मैं आपको, तो 13th ऑफ फेब को क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल वुमेंस डे। डोंट फॉरगेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल वुमेंस डे, ओके। नेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, वाई? बिकॉज उस दिन सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी होती है, कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि 13th फेब को क्या सेलिब्रेट करते हैं, या फिर सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। आंसर इज नेशनल वुमेंस डे। ऑलराइट, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो एमएनएस 2021 में आया था ये क्वेश्चन, दूसरे शिफ्ट में, सरोजनी नायडू जो थी वो आईएनसी की प्रेसिडेंट थी, ओके, आईएनसी की प्रेसिडेंट थी। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो थी सरोजनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात यहाँ पे हुई है, तो लेट मी टेल यू गाइस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 1885 में फॉर्म हुई थी। ऑलराइट, 1885 में।
एक क्वेश्चन से आपको काफ़ी सारी यहाँ वहाँ की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, तो ऐसे टाइप की जो स्टडी होती है वो बेस्ट होती है। आप भी जब भी पढ़ा करो तो ऐसे ही पढ़ने का ट्राई किया करो, लाइक एक चीज़ से आपको चार नई चीज़ें पता चले। आई गेस दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ स्टडी। नेक्स्ट इज नेशनल एजुकेशन डे। तो नेशनल एजुकेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 11th ऑफ नवंबर। ओके, 11th ऑफ नवंबर। एंड जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? 8th ऑफ मार्च। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट इज विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन कौन सा है ये पूछा है। बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि टोटल हमारे अभी 5 ओशंस हैं। ओके, 5 कौन से? अटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन, पैसिफिक एंड सदर्न। ठीक है, उसमें से पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट है। नेक्स्ट इज भारत रत्न फर्स्ट अवार्डेड इन विच ईयर। तो ये क्वेश्चन जो है वो MNS 2022, सorry, MNS 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन जो इसके साथ आया था वो था कि अर्जुना अवार्ड फर्स्ट कब दिया गया था, फर्स्ट अवार्डेड। तो अर्जुना अवार्ड का तो आंसर था 1961, एंड भारत रत्न फर्स्ट अवार्डेड इन विच ईयर, योर आंसर विल बी 1954। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, तो कुछ एब्रिवेशंस भी आते हैं एग्जाम में, आपको पता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एब्रिवेशन का क्वेश्चन डाला है फॉर यू गाइस। सो यूपीएस, यूपीएस आपको पता है कंप्यूटर का एक पार्ट है, सीपीयू, यूपीएस, यू ऑल नो। सो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूपीएस तो हम रोज़ बोलते हैं, रोज़ सुनते हैं, बट इसकी फुल फॉर्म कुछ ही लोगों को पता होती है। सो अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछी थी ALU की फुल फॉर्म क्या होती है। सो ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये फुल फॉर्म भी आई हुई थी। ओके, नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। जो टेलीफोन्स जो यूज होते हैं उसको किसने इन्वेंट किया है? योर आंसर विल बी एलेक्जेंडर ग्राम बेल। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछा है यहाँ पे, योर आंसर विल बी बचेंद्री पाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो आप एक बार बस इसको अपने माइंड में फिट कर लो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इज बचेंद्री पाल। नेक्स्ट इज विच गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस किसको बोलते हैं हम? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को कैसे लिखते हैं? N2O। इसका ना केमिकल फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आप सिर्फ नाम मत पढ़ा करो। अगर आप कभी भी कुछ ऐसे नेम पढ़ रहे हो तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है वो डेफिनेटली देखा करो। तो नाइट्रस ऑक्साइड का क्या है? N2O, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि N2O इज ऑल्सो नोन एज, तो फिर कुछ बच्चे वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार N2O क्या होता है। ओके, तो हमें हर तरीके से अपने को रेडी रखना है। एक एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। एंटोमोलॉजी इज अ साइंस दैट स्टडीज इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? एंटोमोलॉजी। ऑलराइट, अगर आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं एंड माय वे ऑफ टीचिंग, सो यू कैन लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्योंकि अभी मैं मेरे चैनल पे कई सारे मॉक टेस्ट अपलोड करने वाली हूँ डेली संडे, बट मेरे मॉक टेस्ट जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आपको वीडियो की फॉर्म में भी मिलेंगे एज वेल एज PDF की फॉर्म में। वीडियो की फॉर्म में एक बेनिफिट होता है कि आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो मैं मॉक टेस्ट में ही क्लियर कर देती हूँ, बट इन द फॉर्म ऑफ PDF आप उसको एज अ प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज नेम द रीजन दैट हैज़ द ओल्डेस्ट रॉक्स। तो ओल्डेस्ट रॉक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लीज़ नोट इट डाउन। द रीजन दैट हैज़ द ओल्डेस्ट रॉक्स आर अरावली रीजन। तो अरावली रीजन, अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ, अरावली रीजन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, कौन से एरिया में? आपने देखा होगा राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एंड गुजरात। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एंड गुजरात। सो यू कैन से नॉर्थ एंड वेस्ट वाला रीजन जो भी होता है, नॉर्थ एंड वेस्ट। ओके, हरियाणा तो नॉर्थ में आ गया अपना, राजस्थान एंड गुजरात थोड़ा वेस्ट में आ गया। ओके, दिल्ली आपका थोड़ा नॉर्थ साइड आ गया। तो
तो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है आपकी अरावी रीजन। और ये रीजन्स कैसे हैं, ये यहाँ पे ओल्डेस्ट मतलब बहुत पुरानी रॉक्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट इज नेम द लाइटेस्ट गैस, सबसे हल्की गैस के बारे में यहाँ पे पूछा आपसे, तो वो है हाइड्रोजन, नॉट हीलियम। हीलियम में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, बट हीलियम इज नॉट द करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ यूएसए। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है, वाई, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे कंट्री का नेशनल गेम पढ़ने लग जाओ, यहाँ पे सिर्फ यूएसए का पूछा गया है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है एग्जाम में। सो व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ यूएसए, इज़ बेसबॉल। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप सारे कंट्रीज़ के नेशनल गेम पढ़ने लग जाओ। ओके, नेक्स्ट इज मैटर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो मैटर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, यू ऑल नो 30th of January, वेरी इंपॉर्टेंट बट कॉमनली सबको पता रहता है। लास्ट क्वेश्चन इज ईरानी ट्रॉफी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो ईरानी ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्रिकेट से। ओके, जो स्पोर्ट्स एंड कप्स वाला जो आपका टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको आप पढ़ के जाया करो क्योंकि उसमें से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं एग्जाम में। ओके गाइस, सो दिस इज़ एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको मेरे क्वेश्चंस की सीरीज़ अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू गाइज वॉन्ट मोर क्वेश्चंस लाइक दिस देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एंड जो एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना था लास्ट में, वो ये है कि पीसो इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री। पीसो इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। ओके, सो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।